राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के विधानसभा चुनाव में हार और बीते वर्ष देश के कई हिस्सों में किसान आंदोलन के चलते कृषि क्षेत्र की चुनौतियां राष्ट्रीय मुद्दा बना। ये जरूरी भी था क्योंकि कृषि क्षेत्र देश में कुल रोजगार का 49% है और देश की लगभग 70% जनसंख्या इस पर आधारित है। इस सच्चाई के बावजूद कृषि क्षेत्र हाशिए पर रहा। वहीं मौजूदा समय में भी ये मुद्दा राजनीतिक लाभ और लोक लुभावन नीतियों के चलते किसान कर्ज माफी, अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य और हाल ही में तेलंगाना के रायतू बंधु स्कीम इर्द गिर्द सीमित है। हमें समझने की जरूरत है कि किसानों की समस्या रातों रात पैदा नहीं हुई है। नीति आयोग 2017 की रिपोर्ट के अनुसार किसानों की आमदनी को दोगुनी करने की पहल समेत कई ऐसी समीक्षा से साफ है कि किसानों की समस्या 1991 से 92 में शुरू हुई। इस समय तक दोनों कृषि और गैर कृषि क्षेत्र में समान स्तर पर विकास हो रहा था। कर्ज माफी किसी बीमारी का इलाज नहीं बल्कि कुछ किसानों को तत्काल प्रभाव से राहत पहुंचाने का एक जरिया है। इसका फायदा सिर्फ उन किसानों को मिलता है जिन्होंने संस्थागत कर्ज लिए हैं। पिछला NSSO सर्वे 2013 के मुताबिक देश में 52% कृषि परिवार कर्ज में डूबे हुए हैं और इसमें से महज 60% परिवारों ने किसी संस्था से कर्ज लिया है। लिहाजा साफ है कि महज 31%, 52% का 60% इन कृषि परिवारों को कर्ज माफी का फायदा पहुंचने की उम्मीद है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।